नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA नोटिफिकेशन के साथ ही अब देश में हकीकत बन चुका है और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश से की एक और गारंटी को पूरा कर दिया है। ये छूटे रियायत सबकी भारत की सरकार के वादे के मुताबिक है, जो बंटवारे के कारण उस समय अल्पसंख्यक बने करोड़ों भारतीयों के साथ आज से 70 साल पहले जो वादा किया गया था उस वादे को हम निभा रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून उन हजारों लोगों के जीवन में एक उम्मीद और खुशियां लेकर आएगा जो दशकों से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार रहे हैं। इस कानून के पारित होने के साथ ही इन तीनों देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। क्यों जरूरी था CAA कानून? विभाजन के बाद साल 1950 में भारत और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और लियाकत अली के बीच एक समझौता किया गया था जो नेहरू लियाकत पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार भारत पाकिस्तान दोनों देशों ने अपने अपने देशों में रह रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करने का वादा किया था। इसके अलावा शरणार्थियों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इस समझौते को सिर्फ भारत ने ही पूरा किया। पाकिस्तान में पीछे रह गए धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और ईसाइयों के लिए जीवन दिन प्रतिदिन और मुश्किल होता गया। इसी कारण अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में पिछले 7 दशकों में घोर धार्मिक उत्पीड़न का शिकार रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू सिखों की कुल संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है। आज पाकिस्तान में प्रतिवर्ष 1000 से ज्यादा हिंदू बच्चियां अगवा की जाती हैं और इसी तरह एक रिपोर्ट के अनुसार अगले 30 सालों में बांग्लादेश से भी हिंदू पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। ऐसे विस्थापित लोगों की दशकों पुरानी करुणा भरी मांग को प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा करते हुए CAA कानून लाकर इन सैकड़ों निर्दोष, बेघर, बेवतन लोगों को भी भारत माता की गोद में स्थान दिया है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वो किसी मजहब का हो, उनकी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू होने से दशकों से प्रताड़ना, उपेक्षा और धार्मिक भेदभाव झेल रहे हिंदुओं, सिखों, पारसी, जैन और ईसाइयों को आखिरकार भारत की नागरिकता मिलने के रास्ते साफ हो जाएंगे। मोदी जी के संकल्प के चलते आज भारत अपना दशकों पुराना उत्तरदायित्व पूरा कर रहा है। दशकों तक धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और हिंसा सहने वालों को एक बार फिर भारतीय कहलाने का गौरव प्राप्त हो रहा है।